दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। अभी हाल में विपक्षी खेमे की तरफ से एक बड़ी दिलचस्प पहल हुई, दिलचस्प भी और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी। दिलचस्प इसलिए कि इस कवायद में, इस एक्सरसाइज में जो बहुत सारे राजनीतिक दल शामिल हुए, वो इतनी भारी संख्या में शामिल हुए जो आम तौर पे विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ऑफिशियली उसकी तरफ से कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो इतने लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते। पहली एक तो ये दिलचस्प बात उसकी है। दूसरी जो कंट्रोवर्शियल बात है कि दरअसल ये जो प्रक्रिया थी, ये जो कवायद थी, वो एक निजी पहल पर हुई जो कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर हैं कपिल सिब्बल साहब। अब कपिल सिब्बल साहब देश में जाने जाते हैं, बहुत नामी गिरामी वकील हैं और देश के बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल के बड़े नेता हैं जिनमें कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके वो वकील भी रहे हैं कई मामलों में, कई मुकदमों में, तो एक तरह से कानूनी सलाहकार भी अनेक नेताओं के वो हैं। लेकिन उनके साथ एक बड़ी दिलचस्प पहलू जुड़ा हुआ है, वो ये कि वो पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो उसका आधिकारिक नेतृत्व है, उससे वो नाराज चल रहे हैं और उन्होंने G23 नाम का एक ग्रुप है पार्टी के नेताओं का, जिसमें वैसे तो कई तरह के लोग हैं, उसमें तरह तरह के लोग हैं, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका 2019 के बाद से ही कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से कोई संवाद नहीं है। और ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों के समूह में कपिल सिब्बल साहब माना जाते हैं कि वो प्रवक्ता हैं इस G23 के, या एक बड़े नेता के तौर पे उनका नाम लिया जाता है। वो खुलकर आलोचना भी करते रहते हैं कांग्रेस पार्टी की मौजूदा लीडरशिप का, और वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस तत्काल होने चाहिए और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है या नहीं है, तो इसको लेकर काफ़ी कशमकश रही है पार्टी में उनको लेकर। उसमें और भी ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है उसको लेकर हो सकता है कुछ मुद्दों पर क्रिटिकल हों, इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर या तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, लेकिन वो पैरेलल सेंटर बनाने के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने खुलकर कई बार ऐसी बातें कहीं जिनसे लगता था कि वो ज़्यादा पार्टी लीडरशिप की आलोचना को वो कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल साहब ने इसको इनिशिएट किया अपनी बर्थडे पार्टी के तौर पे, और रात के डिनर पे उनके यहाँ काफ़ी लोग जुटे, ऐसे लोग जुटे जो मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस द्वारा जो मुख्य विपक्षी दल है उसके द्वारा बुलाई गई पार्टियों में भी नहीं आते। तो अब जैसे वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी उस पार्टी में आए, उस मीटिंग में कौन आए, उसमें TDP के लोग भी आए, उसमें कौन आए, नरेश गुजराल शिरोमणि अकाली दल के नेता, वो भी आ गए। अब आप जानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में कांग्रेस पार्टी से सीधा मुकाबला है, और इसी तरह से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और TRS दोनों आमने सामने हैं, लेकिन TRS के नेता भी इस पार्टी में आए, इस मीटिंग में आए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बीजू जनता दल जो ओडिशा में, जिसकी कांग्रेस के साथ कभी बनी नहीं, कांग्रेस लंबे समय तक वहाँ पर बीजू जनता दल से लड़ती रही, हालांकि अब कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और BJP काफ़ी मजबूत हो गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजू जनता दल भले ही विपक्षी पार्टी कहलाए, लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का समर्थन करती नजर आती है अनेक मुद्दों पर। तो ये पहलू था इस पार्टी का, इस मुलाकात का, डिनर पार्टी कहिए या इस मीटिंग का। लेकिन इसमें बहुत सारे जो कंसिस्टेंट अपोजिशन की पार्टीज मानी जाती हैं देश में, जैसे CPI है, CPM है, जैसे RJD है, जैसे एक हद तक समाजवादी पार्टी है, या और भी कई पार्टियां हैं, उन जैसे अभी मानकर चलते हैं हम कि शरद पवार की भी पार्टी है NCP, वो भी विपक्षी पार्टी है,
और बाकायदे कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है उसकी महाराष्ट्र में, इसमें शिवसेना के नेता संजय राउत भी आए, शरद पवार तो स्वयं मौजूद थे एनसीपी की तरफ से। तो ये बड़ी दिलचस्प एक समागम था, और उसमें उमर अब्दुल्ला साहब भी जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर अगर पार्टिसिपेशन देखा जाए, इसमें नुमाइंदगी देखी जाए लोगों की, तो ज़बरदस्त थी। लेकिन इसमें कुछ क्रिटिकल आवाज़ें भी अचानक उभर गईं, जैसे माना कहा जाता है कि शिरोमणि अकाली दल के एक नेता ने कांग्रेस के लीडरशिप पर कटाक्ष किया, कांग्रेस पार्टी को बचाने के नाम पर, कि कांग्रेस को बचाना है तो क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। और ये भी आ रहा है, कई जगह देखा गया कि ये भी कहा गया कि मौजूदा जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो अक्षम है कांग्रेस को बचाने में। इस तरह के कमेंट भी उस पार्टी में किए गए, हालांकि ये कोई ऑफिशियल डिलीबरेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन इस तरह के कमेंट भी ये किए गए। ये उस पार्टी में, उस मुलाकात में जो बैठे लोग थे उस मीटिंग में, उनका भी कहना है। तो कुल मिलाकर बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप से नाराज कांग्रेस नेता के इनिशिएटिव पर विपक्षियों का एक बड़ा गठबंधन जुटा। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या यह वाकई एक सुसंगत विपक्षी एकता की शुरुआत कही जाए, या ये प्रशांत किशोर की तरह, जैसे किशोर ने, यानी प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एक पहलकदमी ली और उस पहलकदमी के बाद टाँटा फिर सब कुछ हो गया, शरद पवार के यहाँ कुछ पार्टी हुई, मीटिंग हुई, और पता चला कि नहीं नहीं साहब, हम तो ऐसे ही जुटे थे, इस कारण जुटे थे, उस कारण जुटे थे, और ये विपक्षी एकता की कोई बात नहीं थी। तो क्या माना जाए कि ये भी उसी तरह का हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी कई पार्टियों के नेता गए थे। एक तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इसमें सस्टेनेबिलिटी है, क्या इसमें एक टिकाऊपन है, और दूसरी बात, क्या इसमें सुसंगतता है, क्या इसमें वाकई कंसिस्टेंसी है, और तीसरी बात, इसकी पॉलिटिक्स क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि कपिल सिब्बल साहब हों या उनकी तरह के और नेता हों, चाहे वो कॉरपोरेट के इश्यूज हों, चाहे वो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उसके इश्यूज हों, चाहे वो निजीकरण के इश्यूज हों, इन पर बहुत साफ नज़र नहीं रहा है, इनकी नज़र नहीं रही है। और जब वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अनेक ऐसे निर्णय लिए, अनेक ऐसे फैसले लिए जिनको माना गया कि आज की जो बीजेपी सरकार कर रही है लगभग उसी की तरह थे। और शिक्षा का, खासकर उच्च शिक्षा में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं थी। एफर्मेटिव एक्शन के बारे में भी उनका जो अप्रोच था, वो उनके जो पूर्व मंत्री पहले थे उसी विभाग के अर्जुन सिंह, उनसे बिल्कुल जुदा था। और माना यह जाता है कि अर्जुन सिंह ने जब हायर एजुकेशन में और उच्च शिक्षण संस्थानों में एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया था 2006 में, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो क्रिटिकल थे, बहुत सारे नेता जो नहीं चाहते थे कि ऐसा काम हो, उसमें ऐसे भी कुछ नेता थे जो इस मीटिंग में बाकायदा मौजूद थे। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कांग्रेस की ऑफिशियल जो पोजीशन है, क्या वो इस इनिशिएटिव में कहीं शामिल है, या वो बिल्कुल हाशिए पर डाली जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो या ना हो, लेकिन नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस हो जाए, तो उसके लिए भी एक तरह का ये कवायद है, या उसमें कहीं ना कहीं प्रकारांतर से ये एक सहयोगी भूमिका अदा कर सकता है, इस तरह का प्रयास, एक बड़ा सवाल कांग्रेसियों में उठ रहा है। मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से आज जानना चाहा कि क्या ये कांग्रेस लीडरशिप द्वारा इंडोर्समेंट था इसका। तो मुझे जानकारी मिली कि बाकायदा कांग्रेस पार्टी से इसका कोई इंडोर्समेंट नहीं था, किसी तरह की संस्तुति, किसी तरह की मंजूरी नहीं थी कि इस तरह की कोई पहल की जाए। तो एक तो ये बड़ा कन्फर्मेशन जो हुआ वो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो पॉजिटिव है इस मीटिंग की, कि इस मीटिंग में जो नेता मौजूद थे, खासकर अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और अन्य लोग, उनका ये कहना था कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर देखा जाना चाहिए कि विपक्ष की कौन सी बड़ी पार्टी मजबूत है, उसको बीजेपी के बरक्स खड़ा करने और उसको जीतने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे गठबंधन बनाकर, एडजस्टमेंट करके या किसी भी तरह। तो ये जो दो पहलू हैं बहुत दिलचस्प हैं कि इतना बड़ा समागम हुआ, इतना बड़ा जमावड़ा हुआ, इतनी ज़्यादा
डाइवर्स जो पार्टिसिपेशन है विपक्षियों का वो पहली बार हुआ, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि विपक्ष के जो दल जिन जिन राज्यों में मजबूत हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस का नाम मैं भूल गया, इस पार्टी में इस मीटिंग में वो भी मौजूद थी, उसके भी नुमाइंदे मौजूद थे। तो जैसे तृणमूल कांग्रेस बंगाल में मजबूत थी, उसी तरह से कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो उनका ये कहना था मीटिंग में कि उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उसको मजबूत किया जाना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस अधिकृत तौर पर इस लाइन को इंडोर्स करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इसका जो एकमात्र निगेटिव पहलू है कि कांग्रेस का इंडोर्समेंट इसको नहीं था, पार्टी को, पार्टी की ऑफिशियल लीडरशिप को। तो ये कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प पहल है, देखना है इस पहल से क्या नया निकलता है। अगर सार्थक निकलता है तो विपक्षी एकता के लिए अच्छी बात है, अगर सार्थक नहीं निकलता है तो माना जाएगा कि प्रशांत किशोर की तरह कपिल सिब्बल की पहल भी कुल मिलाकर टाँटाँ फिस हो गई। इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।